हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका अपने अपने चैनल के एसएल ट्यूटोरियल में। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं फार्मास्यूटिक्स का चैप्टर हीट ट्रांसफर, उसका पार्ट टू लेकर आए हैं। नेक्स्ट 30 क्वेश्चन के एमसीक्यूज क्वेश्चन जो कि आपके कम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उठाइए पेन और पेपर, चलिए स्टार्ट करते हैं, करना शुरू करते हैं और बताइएगा लास्ट में कि आपने कितने सवालों का जवाब सही सही दिया है। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन में ये रहा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द फूरियर हीट कंडक्शन इक्वेशन क्यू इक्वल टू माइनस के ए डी टी अपॉन डी एक्स प्रिज्यूम्स। ये आपको चार ऑप्शन पढ़िए, आप बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। देख लीजिए, थोड़ी देर वीडियो पॉज कर सकते हैं आप, ठीक है। तो जी हाँ, इसमें फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ सही है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। टू, नेगेटिव साइन इन फूरियर हीट कंडक्शन इक्वेशन इंडिकेट्स, किसको इंडिकेट करते हैं नेगेटिव साइन, एंड द राइट ऑप्शन इज बी, हीट ऑलवेज फ्लो इन द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव टेम्परेचर ग्रेडियंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द हीट एक्सचेंजर, डी इज करेक्ट, मैक एडम्स करेक्शन फैक्टर। फोर, विथ रिस्पेक्ट टू इंसिडेंट रेडिएशन ट्रांसमिटिविटी वेरीज विथ, ऑप्शन डी वेवलेंथ। फाइव, मेनी टाइप्स ऑफ हीट एक्सचेंजर्स हैव बीन डेवलप्ड टू मीट द वाइडली वेरिंग एप्लीकेशंस बेस्ड अपॉन द, तीन ऑप्शन देख लीजिए कौन सा सही है बताइए। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड तीनों सही है। सिक्स, कंडक्शन प्लस फ्लूइड फ्लो इन मोशन इज नोन एज, द राइट ऑप्शन इज सी कन्विंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग हीट फ्लो सिचुएशंस पर्टेन्स टू फ्री और नेचुरल कन्वेंशन, एंड द राइट ऑप्शन इज डी कूलिंग ऑफ बिलेट्स इन एटमोसफियर। मार्क द सिस्टम वेयर हीट ट्रांसफर इज गिवेन बाई फोर्स कन्वेक्शन, एंड द राइट ऑप्शन इज बी फ्लूइड पासिंग थ्रू द ट्यूब्स एट ए कंसीडर कंडेंसर एंड अदर हीट एक्सचेंजर इक्विपमेंट्स। नाइन, अ फाइन ट्यूब हॉट वाटर रेडिएटर विथ अ फैन ब्लोइंग एयर ओवर इट इज केप्ट इन द रूम ड्यूरिंग विंटर, द मेजर पोर्सन ऑफ द हीट ट्रांसफर फ्रॉम द रेडिएशन इज ड्यू टू, एंड द राइट ऑप्शन इज डी कन्वेक्शन ऑफ टू द एयर। टेन, वॉट इज द वैल्यू ऑफ कन्वेक्टिव कोफिशियंट ऑफ ऑयल इन केस ऑफ फोर्स्ड कन्वेंशन, एंड द राइट ऑप्शन इज सी 62,000, 11, द हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय अ नोन एरिया इन अ फिक्स्ड टाइम इज डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड, एंड द राइट ऑप्शन इज बी फायरिलो हेलोमीटर। वेन स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ इज अप्लाइड टू द ब्लैक बॉडी इट टेक्स द फॉर्म, कौन सा इक्वेशन बनेगा उसके लिए। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी सही है, ई इक्वल टू सिग्मा टी की पावर फोर। 13, व्हेन द एमिसिविटी ऑफ नॉन ब्लैक सरफेस इज कॉन्स्टेंट एट ऑल टेम्परेचर्स एंड थ्रू आउट द इंटायर रेंज ऑफ वेवलेंथ द सरफेस इज कॉल्ड, ऑप्शन नंबर ए ग्रे बेबी ग्रे बॉडी। 14, इन पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर्स, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, द एग्जिट टेम्परेचर ऑफ हॉट फ्लूड इज ऑलवेज लेस देन द एग्जिट टेम्परेचर ऑफ कोल्ड फ्लूड। 15, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज अ रेडिएटिंग शील्ड, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, थिन सीट ऑफ एल्युमिनियम। 16, द टोटल रेडिएंट एनर्जी लीविंग अ सरफेस पर यूनिट टाइम पर यूनिट सरफेस एरिया इज रिप्रेजेंटेड बाई, बी इज करेक्ट, रेडियोसिटी। 17, कंसीडर टू बॉडीज वन एब्सोल्युटली ब्लैक एंड द अदर नॉन ब्लैक एंड लेट दीज बी एट सेम टेम्परेचर, हु वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, नॉन ब्लैक बॉडी रेडिएट्स लेस इंटेंसिवली देन अ ब्लैक बॉडी। 18, द सोलर रेडिएशन दैट इज फेल्ट एट द अर्थ सर्फेस इंडिकेट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, फर्स्ट एंड सेकेंड। 19,
रेडिएशन शील्ड इज यूज बिटवीन द एमिटिंग सर्फेस सच दैट एंड द राइट ऑप्शन इज ए टू रिड्यूस ओवरऑल हीट ट्रांसफर. 20 फोर्स्ड कन्वेक्शन इन अ फ्लूइड बाथ इज कॉज्ड बाय 20 एंड द राइट ऑप्शन इज अगेन ए इंटेंस स्टीरिंग बाय द एन एक्सटर्नल एजेंसी. अ बॉडी थ्रू विच ऑल इंसिडेंट रेडिएशन पास इज कॉल्ड ऑप्शन सी ट्रांसपेरेंट बॉडी. 22 इन हाउ मेनी कैटेगरीज हीट एक्सचेंजर्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ हीट एक्सचेंजिंग फ्लूइड्स ऑप्शन बी 2. 23 इन हाउ मेनी कैटेगरीज हीट एक्सचेंजर्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिकल डिजाइन ऑफ हीट एक्सचेंजर सर्फेस. ठीक है, इट इज ऑफ 3 टाइप्स. ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. 24 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ रिसिप्रेटर्स दैट टाइप एक्सचेंजर टाइप हीट एक्सचेंजर्स. 24 एंड द राइट ऑप्शन इज सी केमिकल फैक्ट्रीज. 25 द एनर्जी ट्रांसफर बिटवीन द हॉट फ्लूइड एंड कोल्ड फ्लूइड इज ब्रॉट अबाउट बाई कंप्लीट फिजिकल मिक्सिंग इन ऑप्शन ए इज करेक्ट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हीट एक्सचेंजर. 26 चूज द फॉल्स स्टेटमेंट ऑप्शन बी इज करेक्ट थर्मल कंडक्टिविटी डिक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग इन द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस. 27 सम एग्जाम्पल्स ऑफ हीट एक्सचेंजर्स आर ऑप्शन सी इज करेक्ट फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड. 28 मोस्ट मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट बिकॉज ऑफ ऑप्शन बी फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड फ्रीक्वेंट कोलिजन ऑफ एटम्स. 29 विच वन इज द यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑप्शन सी इज करेक्ट वॉट मीटर केल्विन. 30 थर्मल कंडक्टिविटी रिप्रेजेंट्स द अमाउंट ऑफ हीट कंडक्टेड अक्रॉस द यूनिट एरिया विद अ टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ 1 केल्विन ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉल्स. ठीक है, दिस इज द आंसर. और ये हैं आकाश मौर्या जी फ्रॉम वाराणसी जिन्होंने इस क्वेश्चन के कलेक्शन भेजा. थैंक यू सो मच आकाश जी. और आप भी जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ, चाहते हैं भेजना हमें अपने MCQs क्वेश्चन, तो आप हमें हमारे वेबसाइट gpat.kclpharmacy.com पे जाकर रजिस्टर कर सकते हैं या मुझसे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं अपने PPT. और आप मुझसे चाहते हैं कुछ बात करना, कुछ चैट करना, कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम, यूट्यूब या ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं और आप मुझे भेज सकते हैं डायरेक्ट मैसेजेस. थैंक यू सो मच. टेक केयर.